इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन टीवी न्यूज। आइए आपको ले चलते हैं आज की बड़ी खबर पर। उत्तर प्रदेश जनपद अमरोहा तहसील हसनपुर क्षेत्र के अलीपुर शर्की के मौजूदा ग्राम प्रधान को दी जान से मारने की धमकी। अलीपुर भूड़े शर्की के ग्राम प्रधान इकसार अहमद का कहना है कि मौजूदा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का नाम लेकर फोन पर गंदी गालियां और जान से मारने की धमकी दी। ग्राम प्रधान ने बताया कि लगभग 7 महीने पहले प्लॉट के मामले में कुछ लेन देन को लेकर ग्राम प्रधान को जान से मारने की धमकी दी। ग्राम प्रधान का कहना है कि शब्दलपुर शर्की के मढ़ियों के ही विपिन चौधरी, पुत्र नरेश चौधरी और फोन पर अन्य लोगों ने मिलकर जान से मारने की धमकी दी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का लेकर कहा कि थाने के इंस्पेक्टर को गंदी गालियां दी और फोन काट दिया। ग्राम प्रधान का कहना है कि मैं थाने तहरीर लिखवाई है और अपनी जान और माल की सुरक्षा की गुहार लगाकर आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की, लेकिन ग्राम प्रधान का कहना है कि थाना सैर नगरी पुलिस ने धारा 151 की धारा में आरोपियों का चालान करके लीपापोती कर दी और लेकर मामले को निपटा दिया। ग्राम प्रधान का कहना है कि मुझे पता भी नहीं चला कि कब पकड़ा और कब चालान हुआ। ग्राम प्रधान का कहना है कि मेरी जान को अभी खतरा बना हुआ है। ग्राम प्रधान ने कहा कि आगे कार्रवाई करूंगा। जी, क्या मामला है आपका, आपका नाम क्या है? मेरा नाम इसरार अहमद सैफी है, ग्राम अलीपुर भूड़े शर्की से प्रधान पति हूँ मैं जी। और मामला ये है कि यहाँ स्विमिंग पूल के बराबर में उजारी से उली तरफ प्लॉटिंग का करा रहे थे लोग जी। ये 2-3 दफ़े मेरे पास आए जी। आने के बाद इन्होंने कहा भाई तुम जो प्रधान जी हमारा इसका प्लॉटिंग करवाओ, आप जो परसेंटेज होगा आपको दे देंगे जी। परसेंट मैंने कहा मुझे कोई परसेंटेज नहीं चाहिए, मैं वैसे ही दे दूँगा। तो फिर 2-3 दफ़े ये फिर बार बार आए जी। मैंने कहा चलो लिखवा देंगे। मैंने 165 गज का प्लॉट एक और 165 गज का प्लॉट एक और 2.5 दुकान एक और एक दुकान एक, टोटल 46,25,000 की पेमेंट हम लोगों ने कराई जी। और वो उन लोगों ने अब चुनाई भी कर रहे हैं। अब ये लोग यहाँ इन्होंने मुझसे पैसे तो इन्होंने पूरे दिए नहीं, मुझसे पैसे मांगने की और बात कर रहे हैं। ये जने कई लोगों को धमका चुके हैं, ऐसा नहीं है एक को ही, मुझे भी धमकाया और जो खेत मालिक था उसको भी इन्होंने कहा बोले भी तू कराएगा कैसे नहीं, बहुत सारी बातें हैं इनकी। अब कल तो इन्होंने बिल्कुल हदपार ही कर दी, इन्होंने जान से मारने की धमकी, घर से उठाने की धमकी और यहाँ से ख़त्म करने की धमकी दी है। मैं एसओ साहब को बताया, मैंने ऑडियो भी मैंने एसओ साहब को सलीम भाई उनको भी मैंने भेजी है, ठीक है। इन्होंने कोई भी अभी तक सुनवाई नहीं की है। मैं 2 बार जा चुका थाने, एक भी बार मुझसे ये नहीं पूछा कि ऐसा हो जाएगा या हम करवा दें। एसओ साहब ने ये तो कहा था मैं दिखवाता हूँ, उसके बाद कोई बात नहीं है। 151 में चालान कर मुझे पता लगा कि अभी के 151 में चालान करा दिया गया है। और फिर मेरे पास फ़ोन आया है, बाद में भी फ़ोन आया, बाद में और भी लोग आए, शाम को लोग आए 2 मोटरसाइकिल से, बोले वो ज़्यादा टांगे फाँके इतना फेंके और न तो फिर उसका परिणाम गलत होगा। तो ये बार बार धमकियाँ मिल रही हैं, ये जो है हानिकारक, मतलब हमारे लिए अभी जान से मारने की धमकी दी जा रही है। अभी भी जान से मारने की धमकी, क्या चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, कड़ी से कड़ी जी। तो जो इंस्पेक्टर साहब को जो जो गालियां दी गई थी उनको भी गंदी गंदी दी और कहा कि हम प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी हमारे रिश्तेदार हैं जो प्रदेश अध्यक्ष हैं बीजेपी के, हमारा कहीं कोई कुछ नहीं कर सकता, ना कोई कुछ बिगाड़ सकता, ठीक ये है। इसी तरह देश दुनिया की हर खबर को जानने के लिए देखते रहिए इंडियन टीवी न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ। इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क।